अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लास्ट सेशन तक के हमने समझा था कि पसमानदा तबका कौन कौन से है, जिसमें हमने दर्जे फहरिस्त ज़ात, दर्जे फहरिस्त कबाइल और दिगर पसमानदा तबका इनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पर्टिकुलर समझा कि दर्जे फहरिस्त कबाइल की खुसूसियत क्या क्या है। हमने लगभग 8 टाइप की खुसूसियत को समझा। आइए अब हम इस सेशन में जितनी भी खुसूसियत अदर खुसूसियत बाकी है उसको समझते हैं। सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट खुसूसियत जो है गैबी कुव्वतों में यकीन। आदिवासी जो सोसाइटी है, जो समाज के लोग हैं, वो कुछ गैबी कुव्वतों में भी यकीन रखते हैं। दर्ज फहरिस्त कबाइल गैबी और गैर इंसानी कुव्वतों में यकीन करते हैं। किसी कुदरती चीज़ या हैवानी मूर्ति की अलामत के साथ अपनी कदीमी ज़ात के एक रिश्ते में मानते हैं। नेज उनके अकायद के इर्द गिर्द वो बेशुमार अकायद और तोहमात घड़ लेते हैं। इन शॉर्ट के जो दर्ज फहरिस्त ज़ात के लोग होते हैं वो बहुत सारे अकीदे, बहुत सारे वहम वहम परस्ती को बढ़ावा देते हैं। गैर इंसानी चीज़ें, जो चीज़ें नज़र नहीं आती, जो गैबी होती है, उसको भी वो मानते हैं, जैसे चुड़ैल, आत्मा, ये सारी चीज़ों को ये मानते हैं। शुभ अशुभ वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा मानते हैं और अपने आसपास बहुत सारे अकायद घड़ लेते हैं। कुछ चमत्कारी किरदार अशकाश उन पर गालिब असर दिखाई देते हैं। उनका मानना होता है कि कुछ मर चुके बहादुरों की शक्ति भी उनको मिलती है, उसकी शक्ति भी वो लोग हासिल कर सकते हैं, कुछ प्रथा के ज़रिए, कुछ पूजा के ज़रिए वो ये सारे पावर्स हासिल कर सकते हैं, इस तरह से उनका मानना होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की गैबी ताकतों में ये लोग यकीन रखते हैं। नेक्स्ट है सूरज वगैरह, जो सूरज हवा पानी वगैरह की पूजा भी इन लोग करते हैं। नेक्स्ट है मखसूस ज़ाबता इखलाक। हर कदीमी ज़ात का अपना मखसूस ज़ाबता इखलाक होता है। इस ज़ाबता इखलाक को वो कभी नहीं छोड़ते। हर किसी को उस सब पर सख्ती से अमल करना होता है। समाजी ज़िंदगी में ज़ाबता इखलाक को ख़ास अकुलियत देते। ज़ाबता इखलाक समाज में, आदिवासियों के समाज में भी एथिक्स, कुछ इखलाक्स होते हैं, कुछ ऐसे इखलाक जो उनके समाज में रस्म और रिवाज के ज़रिए उनको अपनाना पड़ते हैं। जैसे हमारे इखलाक जो नॉर्मल समाज में हम देखते हैं कि हिंदू समाज में बड़ों को आदर करने के लिए उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है, मुस्लिम समाज में सलाम किया जाता है, ये हमारे समाज के इखलाक हैं। सेम इसी तरह से इनके भी मखसूस ज़ाबता इखलाक होते हैं, जिस पर वो पाबंदी से अमल करते हैं, जिसको कभी नहीं छोड़ते, और समाज में उनके जो भी इखलाक होते हैं, जो भी उनके एथिक्स है, उसके ऊपर वो ख़ास अहमियत देते हैं और ख़ास तौर से अमल करते हैं। मीन्स आदिवासी समाज है, इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासी समाज की ज़िंदगी में कोई सिस्टम नहीं है। आदिवासी समाज में भी वो पूरे सिस्टम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। भले ही वो जंगल एरिए में या फिर इलाका, ये अलग अलग इलाके में रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी पूरे सिस्टम के साथ, उनके जो भी रस्म व रिवाज है उसके ज़रिए वो गुजारते हैं। नेक्स्ट है समाजी मजहबी ममनूई निज़ाम। दर्ज फहरिस्त ज़ातों में समाजी और मजहबी शोबों में और मजहबी शोबों में ममनुआत की पैरवी ज़रूरी है। समाजी ताल्लुकात में तर्क के ताल्लुकात उनके समाजी ममनुआत के निज़ाम को इजहार करती है, जबकि मजहबी रस्मुआत अमलियात में भी पाकीज़गी का तस्वुर उनमें वाज़ह होता है। आदिवासी समाज में जो मजहबी और जो भी शोबों में ममनुआत होती है उसकी पैरवी करना बहुत ज़रूरी होता है। ममनुआत यानी कि जो चीज़ों के लिए समाज में रूल्स बने हैं कि इसको नहीं करना है, मतलब उसको नहीं करना है, इस चीज़ के रूल्स और रेगुलेशन का बहुत ही कड़क तरीके से पालन किया जाता है। मजहबी रस्मात और अमलियात में भी पाकीज़गी का तस्वुर इसमें वाज़ह होता है। शामन के लिए औरतों को बहुत से ममनुआत पर अमल करना होता है। ये ममनुआत फ़र्द के बर्ताव को कंट्रोल करती है। ये चीज़ें फ़र्द को सिस्टम में रखती है और उनके जो भी कैरेक्टर है, उनको किरदार को कंट्रोल में करने का काम करती है। इसीलिए समाज जो है, आदिवासियों का समाज, वो ममनुई निज़ाम पर डिपेंड है। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही जिस चीज़ों को मना किया गया है उस चीज़ का निषेध होता है,
उससे आदिवासियों आदिवासी समाज को उसका पालन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है गैबी ताकतों को अवलियत। आदिवासियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि वो गैबी ताकतों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कदीमी ज़ात के लोग मुख्तलिफ अकसाम की गैबी ताकतों में यकीन रखते हैं, पहाड़ की गैबी ताकतें, जंगल की गैबी ताकतें, आबो अजदाद की गैबी ताकतें, मर चुके बहादुरों की गैबी ताकतें, गांव की गैबी ताकतें, निजभूत चुड़ैल डायन जैसी बदकारी गैबी ताकतों में भी ये यकीन रखते हैं। इस तरह से आदिवासी कई सारी गैबी ताकतों में यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि पहाड़ियों में भी शक्ति है जो हमें पावर देती है, जंगल में भी अलग अलग टाइप की शक्तियाँ होती है, हमारे पुराने आबा व अजदाद भी हमें शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, उनसे हम शक्ति हासिल कर सकते हैं। इवन भूत चुड़ैल डायन जैसी जो बदकार कुवतें हैं पावर से, ब्लैक मैजिक से वगैरह पर भी आदिवासी लोग यकीन रखते हैं, इवन इसको इम्पोर्टेंस भी देते हैं। इस तरह से आदिवासियों में जो अकीदे हैं, कुछ अकायद, वो अपने खुद अकायद घड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसमें नज़र आती है। नेक्स्ट है हयातुल बाद मौत पर यकीन। मतलब मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है, आदिवासियों का मानना कुछ इस तरह से है। दर्ज फहरिस्त ज़ाते मौत के बाद की हयात में यकीन रखते हैं। मतलब उनका मानना है कि इंसान मर जाता है तब मरने के बाद उसकी एक अलग ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आबो अजदाद की पूजा और फितरत की पूजा, जिस्म से आज़ाद होकर रूह का वजूद बाकी रहता है, मरने के बाद भी हमारी रूह का वजूद होता है, उनका ये मानना होता है। ये इस फलसफे से पैदा हुई एक नज़र आती है। मुर्दों को खुश करने के लिए इज्तमाई श्राद्ध भी मनाया जाता है, नेज़ मुर्दों के साथ उनके इस्तेमाल की अशिया की रखी जाती है। ये तमाम रस्म व रिवाज हयातुल बाद मौत पर यकीन का इजहार करवाते हैं। आदिवासी लोग जब कोई इंसान मर जाता है, कोई एक फ़र्द मर जाता है, उसको खुश करने के लिए इज्तमाई श्राद्ध रखवाते हैं। समाज के जितने भी लोग हैं उनको बुलाते हैं और ग्रुप में मर चुके जो भी फ़र्द हो उसके लिए श्राद्ध करवाते हैं। इवन मरे हुए शख्स की कब्र में वो उसके साथ जो भी चीज़ इस्तेमाल करता है उसके इस्तेमाल की चीज़ें भी रखते हैं। जैसे मान लो कोई एक फ़र्द अगर शराब पीता हो, या फिर उसे कोई भी किस्म के कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, या फिर वो जिस थाली में खाना खाता हो, ये सारी चीज़ें वो उसके कब्र में भी डालते हैं। और इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि आदिवासियों लोग मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है, इस पर यकीन रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नस्ली अलामत ममनुआत। नस्ली अलामत मतलब आदिवासियों का एक सिंबल, उनकी खुद की पहचान के लिए एक टैटू होता है, एक जिसको बोलते हैं टोटेनिज्म, जिस पे वो यकीन रखते हैं और इसको ख़ास इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये आदिवासियों की जो नस्ली अलामत है उसको जाहिर करती है। भारत में कई दर्ज फहरिस्त ज़ातें नस्ली अलामतों में यकीन रखती है। उनकी खुद के इलाके की पहचान, उनका एक सिंबल, उनकी एक अलामत होती है नस्ली अलामत। नस्ली अलामत के इर्द गिर्द बुने गए तर्ज निज़ाम से टोटेनिज्म पैदा होता है। इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मतलब कोई भी ग्रुप का हो उसके लिए वो चिन्ह, वो सिंबल ज़रूरी होता है। वो सिंबल के ज़रिए, वो टोटेनिज्म के ज़रिए उनके समाज का एक आइडेंटिफाई होती है, उनकी एक समाज की पहचान बनती है। इसीलिए कई सारे आदिवासी समाज में नस्ली अलामतें होती है जिस पर वो यकीन रखते हैं। इस तरह से टोटेनिज्म, टैपू और टैटू, इन तीनों का वजूद तकरीबन तमाम कदीमी ज़ातों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कलील लिबास, छोटा लिबास। जो आदिवासी जंगल के अंदरूनी इलाकों में रहते हैं वो तो आज भी कम कपड़े पहनते हैं। आदिवासियों का गेटअप हमें पता ही है कि वो किस तरह के, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। लाइफ स्टाइल जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी की या फिर आज के ज़माने की जो लाइफ स्टाइल से, उससे कुछ अलग आदिवासियों का कैरेक्टर, उनका ड्रेसअप, उनका ड्रेस कोड हमें नज़र आता है। उनके आदिवासियों की खसूसियत ये है कि वो कलील लिबास, छोटे टाइप के लिबास पहनते हैं, और जो अंदरूनी जंगल एरिया में रहते हैं वो आज भी इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है नशा और मशरूबात का इस्तेमाल। आदिवासी समाज में नशा और मशरूबात, शराब वगैरह का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कदीमी ज़ाते के लोग किसी ना किसी नशा और चीज़ या मशरूब के आदि होते हैं।
अफीम, गांजा, महुआ और ताड़ी का नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। समाधि मजहब में मौके पर वो कसीर मकदार में शराब का इस्तेमाल भी करते हैं। आदिवासी समाज में चीज़ नेचुरल है, खुशी के मौके पे वो ज़्यादातर शराब का इस्तेमाल करते हैं। ये उनके समाज का रिवायती निज़ाम है जिसमें वो शराब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है तालीम का फुकदान। फुकदान का मतलब होता है कमी। आदिवासी समाज में एजुकेशन की तालीम की कमी नज़र आती है। शहरी समाज की बानिस्बत दर्जे फहरिस्तों में तालीम का फुकदान नज़र आता है, बिलखसूस जहाँ स्कूल या कॉलेज की सहूलत नहीं है। ऐसे दूर दराज के इलाकों में तो ज़्यादातर आदिवासियों में तालीम का फुकदान नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि हर आदिवासियों में तालीम का फुकदान नज़र आता है, कई आदिवासी भी है जो कॉलेज वगैरह में एजुकेशन हासिल करके अपना एक मुकाम हासिल करते हैं, ये हम देखते ही हैं। लेकिन कई सारे आदिवासियों की ज़ात ऐसी भी है, कई मतलब कुछ ऐसी ज़ातें भी हैं जहाँ पर हमें तालीम का फुकदान नज़र आता है। जैसे जो आदिवासी बहुत ही ज़्यादा जंगल एरिया में रहते हैं जहाँ पर स्कूल कॉलेज की सुविधा ना हो, वहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है कम नज़र आता है। नेक्स्ट है इज्तिमाई रक्स और इज्तिमाई गीतों का वजूद। आदिवासियों में ग्रुप डांस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमने कई सारी मूवी सीरियल्स वगैरह ऐड वगैरह आती है जिसमें ये सारी चीज़ें देखी है कि किस तरह से आदिवासी उनका जो फेमस ग्रुप डांस है उसके लिए मशहूर है। दर्ज फहरिस्त कबीलों में एक खसूसी इज्तिमाई रक्स होते हैं। हर इलाके में उनमें तनु नज़र आता है, मतलब में हर इलाके का एक अपना अलग डांस होता है। इज्तिमाई रक्स के मौक़ों पर खसूसी किस्म के बाजे और साज बजाए जाते हैं। इज्तिमाई गीतों के वहाँ ख़ास अहमियत है। तकारीर, दास्तानें, भजन वगैरह वो इज्तिमाई तौर पर गाते हैं। आदिवासी लोग कोई भी फेस्टिवल्स हो इज्तिमाई रक्स वगैरह में इज्तिमाई रक्स करते हैं, डांस करते हैं, ग्रुप डांस करते हैं और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट है मेले और त्यौहारों की अहमियत। आदिवासियों में मेले और त्यौहारों की भी बहुत ज़्यादा अहमियत नज़र आती है। इस इज्तिमाई ज़िंदगी में मेले, ठेलों और त्यौहारों के ज़रिए वो खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हैं। मुख्तलिफ मौसमों में मनाए जाने वाले त्यौहार, जश्न, मेले इनमें जोश और खुरोश पैदा करते हैं। आदिवासी समाज में मेले त्यौहारों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और मिलजुल कर ग्रुप डांस के ज़रिए फुल इंजॉय के साथ मशरूबात का इस्तेमाल करके भांग, फ्यून, गांजा, शराब वगैरह पीकर वो फुल इंजॉय के साथ अपने त्यौहार को मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है ग्रोही इतिहाद और ग्रोही शऊर। लास्ट एंड नेक्स्ट ग्रोही इतिहाद और ग्रोही शऊर। दर्ज फहरिस्त कबाइल में ग्रोही इतिहाद बड़े पैमाने पर नज़र आता है, मतलब इतिहाद ग्रुप में जो कहा, ग्रुप में जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मानना है, मुकम्मल इतिहाद उनमें नज़र आता है। मुकम्मल ग्रोह एक ही डोर से बंधा हुआ है, ऐसा इतिहाद हमें नज़र आता है। जो इलाके में जो आदिवासी जो जिस रूल्स में चलते हैं वो सिस्टम में वो बराबर काम करते हैं, इसीलिए उनमें इक्वालिटी नज़र आती है, इतिहाद नज़र आता है। इस तरह से उनमें ग्रोही शऊर भी अब बढ़ता जा रहा है। वो सियासी हकूक हासिल करने के लिए शऊरी तौर पर कोशिश करते हैं। बाज़ कदीमी ज़ातों में बगावत भी मुमकिन है। बिलअल्फाज दिगर अपनी इतिहादी कुव्वत और इज्तिमाई ताकत को बढ़ाकर वो खुद इख्तियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। समाजी, मजहबी और सियासी तहरीकों का भी वजूद इनमें नज़र आता है। आदिवासी समाज में भी लोगों में अब अपडेट हुए हैं, इसीलिए लोग उनके ग्रोही शऊर का इस्तेमाल करके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और समाज में अपना खुद का पर्सनली कुछ स्टेटस भी बना रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि भारत के कदीमी ज़ातों के मुतालिक मस्कुरा वाला खसूसियात इनके मुकम्मल निज़ाम और तंज़ ज़िंदगी, जो इनकी लाइफ स्टाइल है, उसका वाज़ खाका एक पूरा स्ट्रक्चर पेश करती है। ये लाजमी नहीं है कि हर कदीमी ज़ात में तमाम सिफात होनी ही चाहिए। इन तमाम खसूसियत की हामिल कदीमी ज़ातें कम ही हैं। इन शॉर्ट, ज़रूरी नहीं कि हर ज़ात में ये जितनी भी खूबियाँ, लगभग 19 टाइप की खसूसियत हमने देखी, वो सारी खसूसियत हर टाइप के आदिवासियों में होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये सारी खसूसियत आदिवासियों में नज़र आती है जो हमने पढ़ी। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है दर्ज फहरिस्त कबाइल की खसूसियत, लगभग 9 टाइप की खसूसियत है, उसको हमने यहाँ पर कम्प्लीट किया।
जितनी भी 19 टाइप की खसूसियात है आपको नोट में नोट डाउन करना है और उसे लिखना है। थैंक यू।